भाग्योदयेन बहुजं समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय तदो दयते देगा बहु जन्म समर्जिते न एक नहीं दो नहीं जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे तब मनुष्य को मानव को सत्संग प्राप्त होता है। बोले सत्संग प्राप्त होने से होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय ही तदो दयते विवेका अज्ञान का नाश करता है अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार अज्ञान रूपी जो मोहांधकार है उसका नाश करता है और दिव्य विवेक का उदय कराता है। कौन? बोले सत्संग। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर इसका हिंदी रूपांतरण किया है बाबा जी के शब्दों सत्संग विवेक न होई बिन सत्संग विवेक न होई बिन सत्संग विवेक न होई बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न
रसोई। सत्संग मिलता कब है? जब राघव की कृपा होती है। सत्संग मिलता कब है? जब परमात्मा की कृपा होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दैते विवेका। मोह रूपी जो अज्ञान है, अंधकार है, उसका नाश करता है कौन? बोले सत्संग। तो आइए यहां पर सप्त दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवाह प्रवाहित होगा। कथा सुनने से लाभ क्या है? हम कथा क्यों सुने? जीवन के सात दिन हैं, इन जीवन के सात दिनों में हम लोग पुण्य कम पाप कहीं ज्यादा कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी हम लोगों से पाप बन जाते हैं। उन पापों का क्षरण हो, उन पापों का शमन हो, इसलिए भी हम सबको कथा सुननी चाहिए। फिर कथा क्यों सुननी चाहिए? इसलिए भी कथा सुननी चाहिए, कथा के सुनने से ज्ञान का वर्धन होता है, अज्ञान का नाश होता है। कथा क्यों सुने? कथा सुनने से संस्कार मिलते हैं, कथा सुनने से हमारे पाप और ताप नष्ट होते हैं, अथवा यूं कहिए जीवन की सप्त ग्रंथियां हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनेश, अहमता, ममता आदि, इन ग्रंथियों का भेदन होता है, हमारे संशय नष्ट होते हैं, जीवन का एक समाधान होता है। 335 अध्यायों में भागवत की कथा वर्णित है, 18,000 श्लोक। इन 18,000 श्लोकों में, 335 अध्यायों में कहीं आत्मदेव जी का नाम लेकर के धुंधकारी की कथा कही गई, तो कहीं गोकर्ण जी धर्मपिता आत्मदेव को दिव्य उपदेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रथम स्कंद में जब प्रवेश करते हैं, शौनकाद ऋषि सूत मुनि के समक्ष 6 प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों को सुने और समाधान करें। आगे देवर्षिनाथ भगवान व्यास को बड़ा दिव्य उपदेश करते हैं, आपने 17 पुराणों की रचना की, एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया, इतिहास की रचना की, संतों का सत्संग आपको प्राप्त हुआ, फिर भी आप उदास मना हैं। बड़ी रोचक, बड़ी मनोहर और बड़ी मार्मिक चर्चा है। इसी प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा है और परीक्षित के जन्म की कथा है, परीक्षित का राज्याभिषेक यह भी कथा है, और साफ लगता है परीक्षित को यह भी कथा है। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव स्वामी का पदार्पण हो जाता है, परीक्षित का प्रश्न आता है, पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं परीक्षित, आप ये बताएं जो सर्वथा मरणासन्न है, जिसकी एकमात्र 7 दिनों की जिंदगी है, उसे क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित जन्मलाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। बड़ी सुंदर चर्चा होती है इसी द्वितीय स्कंद में, सुंदर चतुश्लोकी भागवत की कथा। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, पहले पूर्व मीमांसा फिर उत्तर मीमांसा की कथा, और मीमांसा भगवान वाराह नारायण की कथा है, आप लोग सुनने को पाएंगे।
और उत्तर मीमांसा में भगवान कपिल के द्वारा कही हुई सांख्य शास्त्र की कथा है। भागवत के चतुर्थ स्कंध में सुंदर दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ की चर्चा, ध्रुव जी को देवर्षनाथ का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार होता है। पंचम स्कंध में 26 अध्याय और सुंदर जड़भद जैसे महापुरुष का चरित्र इसमें वर्णित है। छठे स्कंध में अजामिल ने नाम महिमा के माध्यम से परमात्मा के चरणों को प्राप्त किया। सातवें स्कंध में प्रहलाद जी की कथा, आठवें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन भगवान बावन की कथा और नौवें स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को सुनते हुए दसवें स्कंध में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म की भूमिका, ये भगवान का जन्म, भगवान के द्वारा अनेकों बाल लीलाओं का सुंदर सुंदर मंचन होता है, संपादन होता है। अनेकों लीलाओं को सुनते हुए हम सब लोग एकादश स्कंद कथा सुनते हुए द्वादश स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे और कथा को विश्राम देंगे। भगवान व्यास ने 335 अध्यायों में सुंदर भागवत की कथा लिखी, लेकिन कथा के प्रारंभ में जब मंगलाचरण किया महात्म्य का, तो भगवान व्यास ने सच्चिदानंद घन प्रभु का नाम लेकर के सुंदर मंगलाचरण किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद घन प्रभु का नाम लेकर कथा का प्रारंभ किया, बीच में कथाओं का समावेश किया और जब कथा को विश्राम दिया तो जैसा कि सौनकादृषियों ने सूत मुनि के समक्ष कहा था, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप कथा कहिए तो सही पर आप कैसी कथा कहेंगे। बोले सारम, कथा के सार को कहेंगे और हमारे इन कर्ण कुहरों को प्रिय लगे ऐसी कथा कहेंगे आप। और अंत में क्या कह दिया, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समर तम नमामि हरिम परम। अंत में लिख दिया, विश्राम में लिख दिया कि जितनी भी हम लोग कथा सुने हैं अथवा कथाएं कही गई हैं अथवा महापुरुष लोग जिन जिन कथाओं को कहते हैं उन कथाओं का एकमात्र सार यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा के शब्दों में, सुंदर शब्दों में, कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समरा तम नमामि हरिम परम। केवल नाम संकीर्तन ही सार है। तो आइए हम सब लोग महात्म की पावन कथा में प्रवेश करें और जीवन को धन्य बनाएं। भगवान व्यास ने बड़ी सुंदर रचना की है, सच्चिदानंद घन प्रभु का नाम लेकर की कथा का प्रारंभ किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चिद आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा कैसा है? बोले सत स्वरूप है। और कैसा है? बोले चिद स्वरूप है। और कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चिद आनंद उस परमात्मा के त्रय स्वरूप, सत स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत त्रिकालावाधित्वम सत्यत्वम नाभावो विद्यते सतः। जिसका किसी भी काल में अभाव नहीं है उसे हम सत कहते हैं, उसे हम अविनाशी कहते हैं, उसे हम राम कहते हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं, उसे हम शिव कहते हैं, उसके अनेक नाम। भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार उस परमात्मा को पुकारते हैं, भजते हैं, याद करते हैं। सत जो त्रिकाला बाधित है, जब हम नहीं होते तब भी वो होता है, जब हम होते हैं तब भी वो होता है, और जब हम नहीं रह जाते तब भी वो ही रह जाता है। उसके अतिरिक्त कोई भी सत्ता नहीं है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, 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 प्रकाश के रूप में है। इसके प्रकाशक साक्षात जगत के आधीश जगदाधीश जगदीश। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश माया के आधीश है और ज्ञान गुण के खान है, आलय है।
परमात्मा कैसा? बोले उसका स्वरूप सत स्वरूप है। अच्छा तो दूसरा स्वरूप कैसा है? बोले चित। वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वही जगत को प्रकाशित करता है। जगत प्रकाश प्रकाश रामू मायाधीश ज्ञान गुणधाम सत चिद आनंद। चिद क्या है? प्रकाश। चिद क्या है? ज्ञान। ज्ञान कौन? वही हृदय ज्ञान न मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, और वह परमात्मा सत स्वरूप है। और उसका एक स्वरूप और है, वो कौन सा? बोले आनंद स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा सो सुख धाम राम असनामा। वो आनंद का सिंधु है, सीकरते त्रैलोक सुपासी। त्रय स्वरूप परमात्मा के, वो परमात्मा सत्स्वरूप प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप। आनंद हमारे यहाँ अनेक प्रकार के बताए गए, लेकिन हमारे संतों ने दो को स्थान दिया। कौन कौन आनंद? एक साधन जन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद वो जो सांसारिक भौतिक पदार्थों में हम अनुभव करते हैं, वस्तुतः होता तो नहीं, पर ऐसा हम महसूस करते हैं कि हमको आनंदानुभूति हो रही है। जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, अब गर्मी लगेगी, पसीना भी आएगा, आप ताप से तप करके छाया पर पहुंचे और सुंदर शीतल वायु मिल जाए तो आप यही कहेंगे, आपके मुख से बरबस निकल जाएगा, तप रहे थे, जल रहे थे, पर सुंदर शीतल वायु मिली तो बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे, एहसास कर रहे हैं। ठीक है? और कहीं वही बहती हुई शीतल मंद सुगंध समीर कूलर के रूप में मिल जाती है, सीलिंग फैन की अपेक्षा कूलर मिल जाती है, तो फिर पूछना ही क्या है। अब कूलर की अपेक्षा कहीं एयर कंडीशनर की यदि हवा मिल जाती है तो शोर शराबा भी नहीं होता है और शीतलता भी मिलती है। और जब शीतलता मिलती है तो एक बार हमको झोंका तो आ ही जाता है, क्योंकि थके हुए आए थे, तपे हुए आए थे, शरीर ताप से तप रहा था, जल रहा था, तो ऐसी की जब हवा मिली तो हम सो गए। क्यों? बोले आनंदानुभूति हो रही थी, लेकिन हमारा सोना हुआ और बिजली का जाना हुआ, बिजली चली गई, एसी बंद हो गया। जब तक हमारा रूम कूल रहा, ठंडा रहा, तब तक तो नींद आई, लेकिन जैसे कूलिंग खत्म हुई तो हम तपने लग गए। हमने कहा भाई आनंद चला गया, क्यों नहीं जाएगा, संसार में आनंद है ही नहीं। कुछ समय के लिए विलासिता के संसाधनों के माध्यम से अनुभव किया, था नहीं आनंद, लेकिन अनुभव किया, पर नष्ट हो गया, क्योंकि नाशवान था। हमने नाशवान पदार्थों को वस्तुओं को स्वीकारा, इसलिए भटकते रहे, दुख का अनुभव करते रहे। दूसरा आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद, जिसको हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने और हमारे मुनियों ने स्वीकारा। संतों ने कहा भैया बहुत हलवा पूरी खा लिया, बहुत लड़ुआ पूरी खा ली, बहुत हम लोगों ने भटक लिया, अब वन में चलेंगे, एकांत में चल करके कंद मूल फल पाएंगे अथवा सूखी घास और पत्ते पाएंगे और कालांतर में आनंद निधि को प्राप्त होंगे। तो ऐसा जब उन्होंने निश्चय किया
तब कालांतर में उनको आनंद निधि की प्राप्ति हुई। वह आनंद निधि जिसको पाने के पश्चात संसार में नहीं आना पड़ता है, सत चित आनंद। परमात्मा का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्यादि हेतवे, वो जगत का सृजन करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। और क्या करता है? बोले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश भी करता है, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। तो हम लोगों का भी तो कुछ काम होगा, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारा सृजन किया है, जन्म दिया है। तो कहते हैं हम सब लोगों का काम है कि जिसने अपना सुंदर स्वरूप बनाया, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो हमें आनंद प्रदान करता है, आनंद स्वरूप है, जो जगत का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है और तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है, तो जब वो नौ नौ क्रियाओं से, कलाओं से युक्त है, तो एक तो हम भी उसमें जोड़ ही सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? बोले परमात्मा को नमस्कार तो कर ही सकते हैं, प्रणाम तो कर ही सकते हैं। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय श्री राधिका वाचा, राधा सहिताय श्री कृष्णाय वयम नमः। राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इसके पश्चात यति चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव को वंदन करने के पश्चात महाराज व्यास भगवान ने लिखा कि नैमिषारण्य तीर्थ है, सोनकादि अट्ठासी हजार ऋषि विराजमान है। एक सुंदर सत्र चल रहा था, सुहाकार के माध्यम से परमात्मा का भजन कर रहे थे संतजन। ऐसे ही समय में पुराणों के वक्ता श्री सूत मुनि का पदार्पण हुआ। शौनक जी के सहित 88,000 संत उठ करके उनका स्वागत करते हैं, बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, हस्त प्रक्षालन करते हैं और हस्त प्रक्षालन के पश्चात निवेदन कर देते हैं। शौनक जी अपने कर कमलों को जोड़ते हुए कहते हैं, सूत जी महाराज आपका ज्ञान कैसा है? सूत मुनि ने कहा, नहीं मालूम, बताए ना हमारा ज्ञान कैसा है। शौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम सूताख्याही कथा सार मम कर्ण रसायनम, सूताख्याही कथा सार मम कर्ण रसायनम। सूजी महाराज आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों करोड़ों भास्करों के समान है, सूर्यों के समान है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप हमें कथा रस का पान कराएं और ऐसी कथा जो हमारे कर्ण कुहरों के लिए प्रिय हो, सुखदायिनी हो, आनंददायिनी हो, भक्ति का वर्धन करने वाली हो और विवेक का भी वर्धन करने वाली हो। माया से छुटकारा पाना कठिन है, पर संतजन माया से छुटकारा कैसे पाते हैं, आप यह उपदेश करें। जीव प्रायः आश्री भाव को प्राप्त हो रहा है, नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत है। भगवान ऐसा कोई साधन बताइए जो मन को शुद्ध करने वाला हो,